हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पैरों की सूजन के बारे में, हाथ की सूजन के बारे में। तो अगर आप भी सूजन से परेशान हैं, स्वेलिंग से परेशान हैं, जिसे इन्फ्लेमेशन या ओडिमा भी कहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं कि सूजन क्या है। सूजन का मतलब है शरीर के किसी हिस्से पर उसका फूल जाना, उसका नॉर्मल लेवल से बड़ा हो जाना। स्वेलिंग शरीर के किसी भी हिस्से पे हो सकती है, वो आपके फिंगर्स पे, हाथों पे हो सकती है, आपके पैरों पे हो सकती है। चलिए जानते हैं कि ये जो स्वेलिंग है वो किन किन कारणों की वजह से होती है। कई बार क्या होता है, साइकिल चला रहे होते हैं, कोई व्हीकल चला रहे होते हैं तो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, उसकी वजह से कई बार स्वेलिंग हो जाती है। आर्थराइटिस हो जाता है, उसकी वजह से हो जाती है, जिसे गठिया या गाउट भी कहते हैं। और कई बार इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से, कई बार प्रेगनेंसी होती है, कोई लेडी प्रेगनेंट होती है तब उसको भी पैर भारी हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। कई बार दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी स्वेलिंग आ जाती है, और या फिर किसी को डायबिटीज़ होता है, या कोई क्रॉनिक, कोई लंबी चली आ रही बीमारी होती है, तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। स्वेलिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है अक्यूट स्वेलिंग और एक होती है क्रॉनिक स्वेलिंग। अक्यूट स्वेलिंग में क्या होता है कि ये थोड़े टाइम के लिए होती है, अगर किसी चींटी ने या फिर किसी ने, बिच्छू ने काट लिया होता है तो फिर क्या होती है, वो स्वेलिंग थोड़े टाइम के लिए होती है और फिर ठीक हो जाती है। और क्रॉनिक स्वेलिंग होती है कोई बीमारी की वजह से, ये लंबे समय से चलती आ रही है कोई बीमारी अंदर ही अंदर आपको, उसके वो रिजल्ट के कारण, उसके जो विजिबल सिम्टम है उसकी वजह से आपको दिखना शुरू होती है स्वेलिंग। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं कि क्यों होती है स्वेलिंग। कई बार आप अगर डाइट में ट्रांसफैट ज़्यादा लेते हो, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हो, ड्रिंकिंग, जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उनको स्वेलिंग हो जाती है, जो लोग लंबे समय से ज़्यादा नमक लेते हैं उनको स्वेलिंग हो जाती है। सिर्फ नमक ज़्यादा लेने से स्वेलिंग नहीं होती, कई बार डेफिशिएंसी होती है, पोटाशियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग होती है। ज़रूरी भी नहीं है कि ये हाथ पैरों पर होती है, कई बार लीवर में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से पेट दर्द होता है, पहले साइज़ कम होता है फिर वो बढ़ने लगता है और बीमारियाँ जकड़ लेती हैं स्वेलिंग। अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से स्वेलिंग है तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल 3.5 to 7 mg/dL male का होना चाहिए और 2.5 to 6 mg/dL फीमेल का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर यूरिक एसिड की वजह से, जिसे हम आर्थराइटिस भी कहते हैं, तब भी स्वेलिंग आ जाती है। और वो ज़्यादातर जिनकी उम्र 35 से 35 की एज से ऊपर वाले लोगों को ये होता है, मोस्टली ज़्यादा ऐसा देखा गया है। और अब आपको बताते हैं हेल्थ टिप्स कि किस तरह आप सूजन को, स्वेलिंग को रोक सकते हैं। नंबर वन, फूड हैबिट्स। आपकी फूड हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आप हेल्दी खाना खाना चाहिए, और अनहाइजीनिक फूड, जो गंदा फूड है वो नहीं लेना, अल्कोहल ज़्यादा, शराब नहीं पीनी, और स्ट्रेस नहीं लेना, एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके पैरों में सूजन है, कई बार क्या होता है आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब भी वो सूजन हो जाती है, क्योंकि आप पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करते, अब अपने 6-7 घंटे कोई हैवी वर्क कर लिया तो वो सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको रीज़न तो बता दिया कि बहुत सारे हैं, अब हेल्थ टिप्स की बारी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं स्वेलिंग को दूर करने के लिए। नंबर वन, नमक, पानी लिया अपने एक टब में और उसमें आपने नमक डाला और अपने पैरों को रख दिया 15 मिनट्स उसके अंदर, उससे क्या मिलेगा, आपके पैरों को रिलीफ मिलेगा और सूजन जो है, स्वेलिंग जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करते हैं तब आपको ये स्वेलिंग नहीं होती। और अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, काफ़ी टाइम से कोई लंबी मेडिसिन चली आ रही है आपकी सालों से, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपको स्वेलिंग हो जाती है। मसाज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपकी स्वेलिंग हुई है तो आप मसाज करें या फिर कोई, और आप हमसे भी डाइट प्लान ले सकते हैं। अगर आपको कोई लंबे टाइम से कोई सूजन की प्रॉब्लम चली आ रही है और आप दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे तो आप नेचुरली डाइट प्लान से भी ठीक हो सकते हैं। आप myhealthkit.com इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और दिए गए नंबर 7696173253 पे कॉल करके भी आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। और क्या आप ऐसा फ्रूट लें या क्या आप ऐसी वेजिटेबल्स लें जिससे आपकी कितनी क्वान्टिटी मिले, पूरा प्रॉपर डाइट प्लान आपको मिलेगा और स्वेलिंग से छुटकारा भी मिलेगा। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन या जो भी मैंने रीज़न बताए हैं या जो भी मैंने आपको हेल्थ टिप्स दिए हैं वो पसंद आए हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको इस टॉपिक पे अगर और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ कोई और आपके मन में कोई डाउट या क्योरी रह गई हो जो आप जानना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप शेयर ज़रूर करें ताकि जिनको भी ये प्रॉब्लम है उन्हें पता लग सके कि क्यों होता है, ताकि वो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो भी डाइट प्लान ले सकें और डाइट प्लान से ठीक हो सकें अगर वो दवाइयाँ खाने से तंग आ चुके हैं।
वेब एमडी की रिपोर्ट ये कहती है कि जो फ्रूट्स हैं वो लेने से कम होती है स्वेलिंग। अब वो कौन से फ्रूट्स लेने से, आपकी बॉडी का बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। आप मसाज भी कर सकते हैं, क्योंकि मसाज करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि किस कारणों की वजह से आपको स्वेलिंग हो रही है, तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं कि किस वजह से आपको स्वेलिंग हो रही है। ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।